नमस्कार, मैं हूं दीपाली। मनी मैटर्स फॉर विमेन में आपका स्वागत है। महिलाओं के लिए आर्थिक तौर पर मजबूत होना बेहद जरूरी है और इसी कोशिश में हम अपने खास कार्यक्रम सिर्फ महिलाओं के लिए लेकर आए हैं, जहां हमारे एक्सपर्ट्स आपको निवेश करने का सही तरीका बताते हैं ताकि आप मुनाफा कमा सकें। आप हाउसवाइफ हैं या आप वर्किंग वुमेन है, सभी हमारे शो में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट क्वेरीज हमें भेज सकती हैं, साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स की राय ले सकती हैं। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और पीपीएफएस के वाइस प्रेसिडेंट जयंत पाई। जयंत जी, वेलकम टू दी शो। थैंक यू दीपा। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका बता देते हैं। अगर आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट क्वेरी है, निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल है, तो आप हमें एसएमएस कर सकती हैं। शी लिखकर अपना सवाल लिखिए, सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, shi@dnetwork.com पर। ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपनी लोकेशन आप हमें जरूर देकर भेजें। और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहली कॉलर सीमा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है सीमा आपका, पूछिए क्या है आपका सवाल। हाँ जी मैम जी, अपना सवाल पूछिए। मुझे पूछना है कि मुझे 2000 पर मंथ फॉर 3 इयर्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है जी, तो सजेस्ट कीजिए कि किस में करूँ। क्या ये आपका पहला इन्वेस्टमेंट है, इससे पहले भी कोई आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है? पहला फर्स्ट जी। जयन जी, सीमा का ये पहला इन्वेस्टमेंट है, 3 साल का नजीर है इनका और 2000 रुपए पर मंथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहती हैं। क्या तरीका होगा म्यूचुअल फंड में निवेश करने का और कहाँ इन्हें निवेश करना चाहिए, कितना कमा सकेंगे 3 साल में, यही सब इनके सवाल है। सीमा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं और आपका नजरिया ज्यादा लंबा नहीं है, बिकॉज 3 साल बहुत ज्यादा टाइम होता नहीं है, एंड उसके ऊपर आपका जो निवेश करने का अमाउंट है वो छोटा है, तो मुझे लग रहा है कि आप कोई एक ही म्यूचुअल फंड में निवेश करें 2000 पर मंथ, और आप कोई अच्छा बैलेंस्ड फंड चुनें। बैलेंस्ड फंड में इक्विटी और डेट दोनों का एक मिक्स होता है, तो ये इक्विटी फंड से कम रिस्की होते हैं जी। दो अच्छे जो बैलेंस फंड है वो है HDFC बैलेंस्ड फंड और DSP बैलेंस्ड फंड, इन दोनों में से आप कोई एक चुन सकते हो जी। और मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप अराउंड 11-12% कमाओगे पर ईयर, तो अराउंड 84,000 to 85,000 आप एक्यूमलेट कर सकते हो जी। जयंत जी, जैसे कि ये बिगनर हैं तो कहाँ से इन्हें फॉर्म खरीदना चाहिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ये कहाँ से कर सकती है, एजेंट के जरिए, बैंक के जरिए, क्या कुछ प्रोसेस होता है वो बता दीजिए। एक्चुअली म्यूचुअल फंड में निवेश करने के 3 मेन तरीके होते हैं। एक तो जो भी वो म्यूचुअल फंड चुनेंगी उनके वेबसाइट से वो फॉर्म डाउनलोड करके आइदर म्यूचुअल फंड के ऑफिस में भर सकती है, नहीं तो म्यूचुअल फंड दे आउटसोर्स दिस वर्क टू कंपनी, आई मीन टू अ रजिस्ट्रार जी। तो कैम्स और कारवी करके दो बड़े रजिस्ट्रार्स हैं इंडिया में, तो जो भी फंड ने चुना है वो उनके ऑफिस में जा सकते हैं जी। सेकेंड है ऑनलाइन ऑप्शन, जिसमें वो दो ऐसे पोर्टल्स हैं, फंड सुपरमार्ट और फंड्स इंडिया, इन दोनों में से कोई एक चुन सकती है जी। और फाइनल ऑप्शन है जो भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर उनके घर के नजदीक हो या जो उनके पहचान में हो जी, उनके थ्रू भी कर सकते जी, निकल सकती जी। यानी सीमा, क्योंकि आप बिगनर हैं तो कुछ फॉर्मेलिटीज है जो आपको करनी होगी, KYC एक तो आपको कराना होगा, इसके अलावा कहाँ से आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं वो भी जयंत जी ने बताया। आप म्यूचुअल फंड कंपनीज की वेबसाइट से डायरेक्टली फॉर्म डाउनलोड कर सकती है, उसे फिल कर सकती है, इसके अलावा कैंप रजिस्ट्रार है वहां से आप फॉर्म ले सकती है, साथ ही साथ ऑनलाइन कुछ वेबसाइट है उनके जरिए भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकती है। और कहां इन्वेस्ट करना चाहिए वो भी जयंत जी ने आपको बताया, HDFC बैलेंस या फिर DSPBR बैलेंस, इन दो फंड में से कोई एक फंड आप निवेश के लिए चुन सकती हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर मीनू सूद शिमला से हमारे साथ जुड़ गई है। स्वागत है मीनू आपका, क्या है आपका सवाल? नमस्कार जी, मैं शिमला से बोल रही हूँ। मेरा सवाल है कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ जी, तो मैं स्टार्टिंग में तो मैं 10,000 निवेश कर सकती हूँ, उसके बाद मैं 1,000 रुपए पर मंथ निवेश कर सकती हूँ, तो मैं कहाँ पर निवेश करूँ जी? आप शेयर बाजार में भी निवेश करने की रुचि रखती हैं? हाँ जी वहाँ से मुझे अच्छी रिटर्न मिले जी। जयंत जी, मीनू का सवाल है 10,000 रुपए ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर सकती है, इसके बाद 1,000 पर मंथ भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इनके नजरिए में है, वो है शेयर मार्केट, क्या सलाह होगी आपकी? मीनू, मेरी राय में शेयर मार्केट में डायरेक्टली ट्रेडिंग करने से अच्छा है आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश करें, क्योंकि आप जो भी पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को देते हो वही पैसा वो मार्केट में निवेश करते हैं, और जो लोग निवेश करते हैं उनको ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है, तो मेरी राय में सभी रिटेल इन्वेस्टर्स को इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का जरिया अपनाना चाहिए जी।
आपका जो पहला जो 10,000 का जो अमाउंट है, मेरी राय में आप दो कोई अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो, और सम ऑप्शंस आर फिडेलिटी इक्विटी फंड, डीएसपी इक्विटी फंड या एचडीएफसी इक्विटी, एचडीएफसी टॉप 200। ये कोई दो तीन में से कोई दो फंड्स में आप 5,000 ईच निवेश करें, और इसके बाद वही उन्हीं दोनों फंड्स में से कोई एक में आप 1,000 रुपीज पर मंथ का मंथली एसआईपी भी शुरू कर सकते हो। जी, यानी मीनू जैन जी की सलाह है कि बिना शेयर बाजार की जानकारी के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना सही नहीं होगा, ऐसे में जोखिम ज्यादा है। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन जैन जी ने बताया कि तीन म्यूचुअल फंड्स आपको बताए हैं, फिडेलिटी इक्विटी, डीएसपी बीआर इक्विटी और एचडीएफसी टॉप 200। इन तीनों फंड्स में आप 10,000 का जो इन्वेस्ट करना चाहती है वो इन्वेस्ट कर सकती है। इसके बाद आप कोई एक फंड इनमें से चुन सकती है और इनमें 1,000 पर मंथ की एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकती है। और जैन जी, अगला ईमेल है हमारे पास सिडनी ऑस्ट्रेलिया से वर्षा का। ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है और ये जल्द इंडिया परमानेंटली शिफ्ट कर रही हैं अपनी फैमिली के साथ। इनके पास 50 लाख रुपए हैं, ये जानना चाहती है कि ये 50 लाख को इन्वेस्ट करना चाहती हैं, लेकिन ये इस इन्वेस्टमेंट के बाद 40,000 रुपए प्रति माह की आय चाहती है इंडिया आकर। कहां ये इन्वेस्ट कर सकती है, कौन से बेस्ट ऑप्शन है इनके पास फिलहाल? एक्चुअली वर्षा, जो ओसीआईज है, जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, म्यूचुअल फंड्स के मामले में दे आर इक्वल टू एनआरआईज, तो जो भी एनआरआईज को परमिशन है वही परमिशन ओसीआईज को भी है। आपका जो टोटल अमाउंट है 50 लाख, उसके ऊपर आपको अराउंड 40,000 अगर चाहिए तो दैट वर्क्स आउट टू अराउंड 8% पर एनम, क्योंकि साल का 4.8 लाख होता है। जी, दिस इज एन अचीवेबल फिगर, इतना हाई फिगर नहीं है ये, लेकिन मेरी राय में आप इक्विटी फंड्स को ना चुने, क्योंकि इक्विटी फंड्स लॉन्ग टर्म में तो अच्छा रिटर्न देते हैं, लेकिन ये रिटर्न बहुत वॉलेटाइल होता है। जी, तो अगर आपको एक स्मूथ रिटर्न चाहिए तो आपके पास दो ऑप्शंस है। वन इज चूज सम गुड डेट म्यूचुअल फंड्स, और डेट म्यूचुअल फंड्स में कैटेगरी है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स, जिसमें जो रिटर्न की वॉलेटिलिटी है वो कम होती है, एंड ये कैटेगरी ने लास्ट 3 सालों में अराउंड 7-8% पर एनम रिटर्न दिया है। सो जो तीन अच्छे जो डेट म्यूचुअल फंड्स है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स है, वो है एक जेएम मनी मैनेजर सुपर फंड, टाटा फ्लोटर और बिरला फ्लोटिंग रेट इनकम फंड लॉन्ग टर्म ऑप्शन। अभी इन तीनों में से आप डिविडेंड ऑप्शन चुनिए, डोंट चूज द ग्रोथ ऑप्शन, क्योंकि उसमें टैक्सेस ज्यादा लगते हैं। एंड और इफ यू वॉन्ट, सी थिंग इज दैट ये जो फंड्स है वो पीरियोडिक डिविडेंड्स तो डिक्लेयर करेंगे, लेकिन जो डिविडेंड का अमाउंट होता है वो फ्लक्चुएट होता रहेगा। जी, तो अनदर ऑप्शन इज चूजिंग सम फिक्स्ड डिपॉजिट्स ऑफ अ गुड बैंक, कोई भी नेशनलाइज्ड या अच्छा प्राइवेट बैंक आप चुनेंगे। आजकल 3 ईयर डिपॉजिट्स पे अराउंड 9% मिलता है, तो अगर आप 3 ईयर्स तक पैसा लॉक कर सकते हो जी, तो कोई भी फिक्स डिपॉजिट भी यू नो आप दैट विल हेल्प यू अचीव दिस अमाउंट। जी जैन जी, जैसे कि आपने बताया कि ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं रेगुलर इनकम पाने के लिए, तो कितने समय के इन्वेस्टमेंट के बाद ये 40,000 पर मंथ की आय कमा पाएंगी इस इन्वेस्टमेंट से? नहीं, एक्चुअली ये सभी फंड्स में जो डिविडेंड के ऑप्शंस है वो नॉर्मली वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली डिविडेंड के ऑप्शंस है। जी, सो अगर वो मंथली डिविडेंड ऑप्शन चुने जी, तो शी हैज अ चांस ऑफ गेटिंग दिस अमाउंट, गारंटी नहीं है, लेकिन जो पास्ट हिस्ट्री है वो उससे हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि 40,000 पर एनम वो इससे कमा सकती है। जी, यानी वर्षा, दो ऑप्शन है आपके पास 40,000 रुपए पर मंथ कमाने के 50 लाख के इन्वेस्टमेंट के बाद। जैसे कि जैन जी ने बताया, आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकती है, तीन फंड इन्होंने बताए, इन तीनों फंड में आपको डिविडेंड ऑप्शन चुनना है और आप मंथली डिविडेंड ऑप्शन चुन सकती हैं अपना टारगेट अचीव करने के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास 3 साल का टाइम होराइजन है तो आप फिक्स डिपॉजिट में भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। और यहां पर हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका बता देते हैं। अगर आपके पास निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल है तो शी लिखकर अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं she@dnetwork.com पर। और अभी रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। महिलाओं के लिए डिजाइन किए गए इस खास शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं अगली कॉल, शिल्पा अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है शिल्पा आपका, क्या है आपका सवाल? मैंने आईसीआईसी प्रोडेंशियल की सिंगल प्रीमियम डायनेमिक पी फंड की 3 लाख की एक पॉलिसी ली है। जी, लाइफ लिंक वेल्थ पॉलिसी है। जी, लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स है। जी, और 10 ईयर्स की पॉलिसी है। जी, मैं जानना चाहती थी कि इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है।
जी 3-4 महीने हुए मेरे को ये लिए हुए पॉलिसी को। जैन जी, शिल्पा ने आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ लिंक वेल्थ पॉलिसी इन्होंने खरीदी है। हाल ही में इनकी उम्र करीब 59 साल है और 3 लाख का सिंगल प्रीमियम इन्होंने पे किया है इस पॉलिसी में। 5 ईयर्स का इसमें लॉक इन पीरियड है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। जानना चाहती है क्या कुछ प्रॉस्पेक्ट्स हैं इस पॉलिसी के, क्या कुछ फीचर्स हैं और क्या इस पॉलिसी में इन्वेस्टेड रहना फायदेमंद होगा। एक्चुअली शिल्पा, आपने ये यूलिप जो लिया है 59 ईयर्स के एज में, ये यू नो ये इसमें निवेश करने से पहले आपको सोचना है कि वेदर यू रियली रिक्वायर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एट दिस एज। तो अगर आपने वो जान के अगर यू हैव डन इट इंटेंशनली देन इट इज ओके। ये जो पॉलिसी है वो अच्छा है क्योंकि आपने जो डायनामिक पी ऑप्शन चूज किया है दैट इज वन ऑफ द बेटर ऑप्शन विद इन दिस पॉलिसी। तो और वैसे भी 5 ईयर का लॉक इन है और आपने सिंगल प्रीमियम भरा है तो सरेंडर का कोई सवाल नहीं है। सो यू कुड स्टे इन्वेस्टेड एंड 5 ईयर्स होने के बाद आप रिव्यू कर सकते हो अगर आपको प्रीमेच्योरली सरेंडर करना है, आपको निवेशित रहना है। जी, यानी शिल्पा क्या कुछ फीचर्स इस पॉलिसी के बताया जैन जी ने। एक सिंगल प्रीमियम यूलिप है, इसमें सिंगल प्रीमियम ही इस पॉलिसी में दे सकते हैं। काफी कुछ इसमें बेनिफिट्स भी हैं इस पॉलिसी के। पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी आप चुन सकते हैं इस पॉलिसी में। इसके बाद 10 साल बाद, हर 5 साल बाद इसमें 2.5% का लॉयल्टी बोनस भी मिलता है फंड वैल्यू का। तो काफी कुछ अट्रैक्टिव फीचर्स हैं इस पॉलिसी में क्योंकि अब आप इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं तो इसमें बनी रहिए। लेकिन जैसा कि जैन जी ने बताया कि 5 साल की अवधि के बाद जब इसका लॉक इन पीरियड पूरा हो जाए, इसकी परफॉर्मेंस एक बार जरूर मॉनिटर कीजिए ताकि आप पता लगा पाए कि आपने जो इसमें निवेश किया है उसमें आपको मुनाफा हो रहा है या फिर नुकसान। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर रचना जैन गांधी धाम से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है रचना आपका, पूछिए क्या है आपका सवाल। नमस्ते जी। जी अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, वो मैं लमसम 50-50,000 मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती हूँ जी। और अवधि रहेगी 10 साल तक जी, लॉन्ग टर्म के अंदर। तो कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे से अच्छे जो हाई रिस्क लेने को तैयार होंगे और अच्छे रिटर्न देते हो, वो म्यूचुअल फंड बता दीजिए। जी जी जैन जी, हर इन्वेस्टर अच्छे फंड जाना चाहता है ताकि वहाँ निवेश करके वो अच्छा मुनाफा कमा सके। रचना का भी यही सवाल है, 2 लाख रुपए हैं इनके पास, वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही करना चाहती है, आपसे बेटर म्यूचुअल फंड जानना चाहती है जहाँ इन्वेस्ट करके अच्छा मुनाफा कमा सके। रचना, मैं आपको वो फंड्स बोल सकता हूँ जिसमें आप कम रिस्क में ज्यादा कमा सकते हो क्योंकि मैक्सिमम रिस्क लेके मैक्सिमम रिटर्न कमाना इज अ वेरी रिस्की स्ट्रैटेजी। तो जो भी अच्छे म्यूचुअल फंड आजकल इंडिया में अवेलेबल हैं, हमेशा फंड मैनेजर का यही एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो जितना रिस्क है वो कम करे और उसमें निवेशक को ज्यादा रिटर्न दे। तो आपका जो अमाउंट है अगर आप लमसम में करना चाहती है तो ये 2 लाख आप 3 फंड्स में डिवाइड कीजिए। मेरी राय में डीएसपी टॉप 100 जो एक लार्ज कैप फंड है, फ्रैंकलिन प्राइमा प्लस विच इज मोर ऑफ अ मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप फंड ऐसा माना जाता है, और एक फिडेलिटी इक्विटी फंड, ये तीनों फंड्स में आप इक्वली निवेश करें एंड देन यू होल्ड ऑन फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स जी। तो यानी रचना, जैसे वैसे भी आपका 10 ईयर्स का लक्ष्य है तो जी जैन बताइए, तो ये पूरा 10 साल तक नहीं, आपका वैसे भी लक्ष्य 10 ईयर्स का है तो यू शुड स्टे इन्वेस्टेड फॉर 10 ईयर्स, बट ओनली थिंग कीप रिव्यूइंग द पोर्टफोलियो एवरी ईयर जी। यानी रचना जैन जी ने जैसा कि आपको बताया 3 म्यूचुअल फंड इन्होंने बताया जिसमें आप इक्वली अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को आपको टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहना है। ये हमेशा हम अपने इन्वेस्टर्स को कहते हैं। कौन से वो 3 फंड हो सकते हैं, वो जैन जी ने आपको बताया, डीएसपी बाय टॉप 100, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस, फिडेलिटी इक्विटी, ये कुछ म्यूचुअल फंड जो आप निवेश के लिए चुन सकती हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर रिचा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई है। स्वागत है रिचा आपका, पूछिए क्या है आपका सवाल। मैम, मुझे पूछना था कि मैंने एचडीएफसी टैक्स सेवर में 1,000 पर मंथ सेव किए हैं, क्या ये सही है, और एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस पूछना था अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए जी। वी आर अंडर 30 जी। जैन जी, रिचा हैं दिल्ली से, अपने और अपने हस्बैंड के लिए एक मेडिक्लेम पॉलिसी जानना चाहती हैं। कहाँ ये कौन सी कंपनी की मेडिक्लेम पॉलिसी ले हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, इसके अलावा एचडीएफसी टैक्स सेवर में 1,000 पर मंथ इन्वेस्ट करें, उस पर भी आपकी राय जानना चाहती हैं। रिचा, एचडीएफसी टैक्स सेवर इंडिया के टॉप 5 टैक्स सेवर्स में एक माना जाता है, तो आप इसमें निवेशित रह सकते हो एंड यू कैन कंटिन्यू योर एसआईपी आल्सो। हेल्थ इंश्योरेंस में आपका एज शायद 24 और 28 है आपके हस्बैंड और आपका, तो मैंने जस्ट 2-3 कंपनीज के प्रीमियम्स देखे। मेरी राय में आपको वो कंपनी चूज करना चाहिए जो केवल हेल्थ इंश्योरेंस ही ऑफर करता हो और नॉट अदर पॉलिसीज, क्योंकि इसमें कस्टमर सर्विसिंग हमेशा बेहतर रहता है।
जी। तो इसमें स्टार हेल्थ करके एक कंपनी है जिसमें आपको अगर एक 5 लाख का कवर ले फ्लोटर पॉलिसी फॉर अ कपल उसमें अराउंड 11,800 का प्रीमियम होगा। सेकेंड ऑप्शन है मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस जिसमें अराउंड 13,500 का प्रीमियम आपको भरना होगा जी। लेकिन आप हेल्थ इंश्योरेंस चूज करने के टाइम डोंट गो ओनली बाय द लोएस्ट प्रीमियम। आप यू नो जस्ट चेक विद सम ऑफ योर फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस उनकी एक्सपीरियंस में कौन सा अच्छा कंपनी है क्योंकि कस्टमर सर्विसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ इंश्योरेंस में जी। यानी बच्चा सबसे पहले बात करें एचडीएफसी टैक्स सेवर की तो आप उसमें इन्वेस्टेड रह सकती हैं, वो एक अच्छा टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है। वहीं हेल्थ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो जैन जी ने जैसा कि आपको बताया कि आप स्टार हेल्थ या फिर मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस से पॉलिसी ले सकती हैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए। क्या कुछ प्रीमियम होगा ईयरली वो भी जैन जी ने बताया। एक बात और बताया कि आप इन कंपनी का क्लेम रेशियो जरूर जांच लें, IRDA की वेबसाइट से भी आप जान सकती हैं या फिर आपके कुछ फ्रेंड्स हो जिन्होंने इन पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट किया हो तो उनसे भी आप इस बारे में राय ले सकती हैं। और यहां पर हम लोग छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में से पहले इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका एक बार फिर आपको बता देते हैं। अगर आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट क्वेरी है तो आप हमें भेज सकती हैं, शी लिखकर अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं shi@znetwork.com पर। और अभी रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, अगला ईमेल है हमारे पास विनोद बाला का चंडीगढ़ से। जैन जी, ये रिटर्न फॉर्म के बारे में आपसे जानना चाहती हैं, इनको पेंशन मिलती है, फैमिली पेंशन मिलती है, इसके अलावा रेंट से भी इनको इनकम होती है। जानना चाहती हैं रिटर्न फॉर्म कौन सा इनको भरना होगा। इसके अलावा इन्होंने 29 मार्च 2011 को एडवांस टैक्स भरा था जिसमें इन्होंने असेसमेंट ईयर गलत भर दिया है, तो अब जानना चाहते हैं क्या कुछ कर सकते हैं ये। विनोद जी, एक्चुअली आपको सरल 2 या ITR 2 ये फॉर्म भरना होगा। और जो आपका जो 3 इनकम हेड जो आपने बोले हैं, पेंशन जो आपके एम्प्लॉयर से मिलता है वो सैलरीज के अंदर जाएगा, फैमिली पेंशन है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाएगा, और जो रेंट है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो आपने रॉन्ग असेसमेंट ईयर भरा है उससे आपको मेरी राय में थोड़ी तकलीफ हो सकती है क्योंकि आपने जो 2010-11 का जो ईयर है एक्चुअली 11-12 लिखना चाहिए था। तो अभी इनकम टैक्स अथॉरिटी ये मान सकते हैं कि आपने जो एडवांस में भरा एक्चुअली वो लेट पेमेंट है और आपने प्रीवियस ईयर के लिए भरा, ऐसा एक केस हुआ है मेरे एक्सपीरियंस में जी। और वो करेक्ट करने को थोड़ा टाइम लगता है। तो मेरी राय में आपको अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट की राय ले इसके बारे में जी। और दूसरा, आपने जो एडवांस टैक्स का जो भरा है उसको चलान भी रॉन्गली चूज किया है। आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स चलान यूज किया जबकि आपको एडवांस टैक्स चलान में भरने का था वो जी। जैन जी, रिटर्न फॉर्म भरने की जो हम बात करते हैं, अक्सर इन्वेस्टर से गलती हो जाती है जब वो रिटर्न फाइल करते हैं, कभी असेसमेंट ईयर तो कभी वो लोग अपना पैन नंबर, कभी एड्रेस गलत भर देते हैं या फिर कभी कभी विभाग से भी गलती हो जाती है। ऐसे में क्या कुछ ऑप्शंस है इन्वेस्टर के पास, क्या कुछ बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए रिटर्न फॉर्म भरते वक्त? एक्चुअली अगर आप टाइम पे रिटर्न भरे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक पीरियड देता है जो जिसमें आप अपना रिटर्न रेक्टिफाई कर सकते हो जी। फॉर एग्जाम्पल अभी July 31st का टाइम है इंडिविजुअल्स को टैक्स भरने का, तो ये रिटर्न आप March 31st ऑफ नेक्स्ट ईयर तब तक आप रेक्टिफाई कर सकते हो। और हर एक मिस्टेक का एक अलग सॉल्यूशन है और एक पेनल्टी भी है क्योंकि अगर आप रॉन्ग पैन लिखे तो 10,000 रुपीज का एक पेनल्टी है जी। तो ऐसे हर एक चीज के लिए अलग अलग पेनल्टी भी और अलग सॉल्यूशन है, लेकिन इसके लिए आपको रिटर्न टाइम पे भरना होगा क्योंकि लेट रिटर्न अगर है तो रेक्टिफिकेशन इज नॉट अलाउड जी। तो उम्मीद है विनोद बाला आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर सुमी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है सुमी आपका, पूछिए क्या है आपका सवाल। सुमी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जैन जी, सुमी से संपर्क टूट गया है। इनका क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। 10 साल का इनके पास टाइम है, 50 लाख रुपए कमाना चाहती हैं और इन्वेस्ट करना चाहती हैं महज 4 लाख रुपए, तो क्या ये इस अवधि में इस निवेश से 50 लाख कमा पाएंगी? सुमी, 4 लाख को 50 लाख में इंक्रीज करने के लिए आपको हर साल 29% का रिटर्न पाना होगा। इंडियन मार्केट हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई भी 10 ईयर पीरियड में 29% पर एनम कंटिन्यूअसली मिलता रहे जी। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा मुश्किल एक टारगेट है। और नॉर्मली एडवाइजर्स क्या एज्यूम करते हैं कि अराउंड 15% रिटर्न एज्यूम करते हैं जी।
मैं अपने कैलकुलेशंस में 11% एज्यूम करता हूँ, थोड़ा कंजर्वेटिवली। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं 13% भी लूँ तो भी तभी भी आपको सिर्फ अराउंड 14 लाख आप जमा कर सकते हो इसमें जी। एंड अभी ये अमाउंट अगर आपको लमसम में निवेश करना है तो अगेन यू कैन डिवाइड दिस इनटू 3 डिफरेंट फंड्स। जो मैंने 3 फंड पहले जो नाम लिए वही मैं वापस कहूंगा, एक डीएसपी टॉप 100 है, फिडेलिटी इक्विटी है और एचडीएफसी इक्विटी है। ये तीनों में आप अभी लमसम निवेश कर सकते हो, लेकिन लमसम निवेश करने का एक ये डेंजर होता है कि अगर आप आज निवेश करें और कल मार्केट गिरे तो आप डर के लॉस में विड्रॉ भी कर सकते हो। सो टू अवॉइड दैट आई सजेस्ट एसआईपीस, लेकिन अगर आपको लमसम करना है तो आप लमसम कर सकते हो जी। यानी सुमित, 10 साल में 4 लाख के निवेश से आप 50 लाख नहीं कमा सकती हैं। अगर 13% का रिटर्न भी एनुअल रिटर्न लेकर चलें तो आप करीब 14 लाख कमा सकती हैं। 50 लाख टारगेट अपना अचीव करने के लिए आपको निवेश की राशि बढ़ानी होगी। कितना निवेश करना होगा वो भी हमने आपको बताया, कौन से म्यूचुअल फंड हो सकते हैं जो आप चुन सकते हैं निवेश के लिए वो भी जैन जी ने आपको बताया। तो आज इतने ही सवाल अपने शो में शामिल कर पाएंगे। जैन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए, हमारे शो के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू दीपाली। तो शो को वाइंड अप करने से पहले एक बार फिर आपको इस शो में हिस्सा लेने का तरीका बता देते हैं। अगर आप भी हमारे शो में हिस्सा लेना चाहती हैं, कोई इन्वेस्टमेंट क्वेरी है आपके पास, तो आप हमें एसएमएस कर सकती हैं। शी लिखकर अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं shi@zeenetwork.com पर। तो आज मनी मैटर्स फॉर वुमेन में इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।